हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल पटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों अभी समा बोलते वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा एकदम ना हैवीनेस फील हुआ, जैसे कि जैसे ही हार्ट चक्र ब्लॉक हो, वो वाली फीलिंग है। बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, हैवीनेस ऑफ द एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है मुझे। कोई नहीं, आप लेट्स सी कि एनर्जी क्या निकल गया है, क्योंकि मुझे जिस तरह से वाइब्स आ रहे हैं ना रीडिंग्स शुरू होने से पहले ही, तो देखती हूँ मैं जो मुझे फील हो रहा है वो क्या हो रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और उसके बाद भी हम लोग बातें करेंगे कि क्या और क्या नहीं। तो बाकी के रिचुअल्स तो कम्प्लीटेड है, अभी मैं जस्ट कैंडल जला के रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। रीडिंग जैसे स्टार्ट हो रही होने वाली होगी, तभी आप अपने पर्सन के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए और पॉजिटिव मेमोरीज़ के साथ, पॉजिटिव मेमोरीज़ के साथ। हाँ, तो वो इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको वो मैसेजेस नहीं मिलेंगे जो आपको सुनने ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। जब से फ्लेम मैंने जलाई थी, तब से वो फ्लेम ज़्यादा ही इग्नाइट होते जा रही है। मैंने पूछा ना, जैसे कि एक फीलिंग्स पूछी कि उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, तो फ्लेम जैसे ही ना जब बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, एंड इट शोज़ दैट कि बहुत 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 ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा उदास है, खास करके बहुत गुस्से में है, बहुत चिढ़ में है, अपने ऊपर नसीब के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि इनको ना अपने कनेक्शंस के लिए, ये जो कनेक्शन है आपके साथ उसके लिए पुकारा जा रहा है। और उनके, जैसे मैंने कहा ना कि एक लॉजिकल माइंड और एक इमोशनल माइंड में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बहुत इंटेंस है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्लेम कैसे हो रही है, एकदम फ्लेम, एकदम तेज़ और सब चीज़, जैसे कि एक एनर्जी ही अजीब है कि मतलब आपके बारे में जब सोचते हैं ना जैसे पागल हो जाते हैं। ये आपसे ना चिढ़ने लगे हैं, लिटरली चिढ़ने लगे हैं, क्योंकि आपने उनकी ना अच्छी खासी ज़िंदगी जो घिस रहे थे, खींच रहे थे, उसको बिगाड़ के रखा है। उस ज़िंदगी में ना वो खुश रह पा रहे, खुशी तो थी नहीं, बट चला रहे थे ना, वो एनर्जी भी नहीं रही। इसकी वजह से ऐसा लगता है ना कि आपके ऊपर बहुत चिढ़े हुए हैं, क्योंकि हर बात पे ना आप घुस जाते हो, उनकी सोच में, उनकी यादों में, उनकी मतलब कुछ सोच रहे हैं और हर बात पे आप घुस जाते हो, मतलब पागल हो रहे हैं। लाइक आप क्यों बार बार आप उनके सामने आ रहे हो, उनकी आपकी बातें, आपकी आपका चेहरा, आपकी नज़रें, आपकी जो भी यादें हैं, इतनी फ्लेम एकदम इतनी भर रही है ना कि बहुत बहुत पैशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली नई शुरुआत होगी। जो 1-1 पोर्टल का असर है ना, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगे, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है ना कि कार्मिक सिचुएशन एंडिंग एंड द न्यू बिगिनिंग। अभी माना कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ वो एनर्जी मैच हो रही है ना, अब देखोगे मिराकल की तरह, मिराकल की तरह ये इंसान आपके पास दौड़ के आएगा। ये फ्लेम मुझे बता रही है, लिटरली दौड़ के आएगा, ये नहीं रह पा रहे लिटरली। इनकी कार्मिक सिचुएशन, जो भी सिचुएशन, लाइक ना अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ एंगेज है, कमिटेड है, मैरिड है, वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन है ना वो अपने आप ब्रिजाल होने वाली। मुझे ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है, जो कि पेरेंट्स है ना, वो मानने वाले हैं, भले उनको इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी
इनकी जिद है, इनके बिहेवियर है, ऐसा है ना कि मानना पड़ेगा। इवन जो थर्ड पर्सन के साथ है ना, उनकी अपने आप कमिटमेंट टूटने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा ना कि सामने वाले को इनके बिहेवियर से ना बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है, एक सच्चाई सामने आ रही है, उसकी वजह से उनके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। होने के लिए तो सब कुछ साथ है, लेकिन इनका दिल कहीं और है, इनके इमोशंस कहीं और हैं। ये अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन ना खुद को ना लिटरली जैसे बांध के रखा हो, वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपके पास मतलब आपको नहीं देखना है, क्योंकि अगर आपको देखे तो कंट्रोल नहीं होगा, लिटरली मतलब आपसे मिलना ही होगा, आपसे बात करना ही होगा। इवन बात भी करेंगे ना तो आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, लिटरली गुस्सा करेंगे, क्योंकि मतलब आप ना उनको बहुत ज़्यादा लाइक परेशान करे हो, परेशान। एनर्जी काफ़ी क्लियर होती जा रही है, लेकिन सोच है ना बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही है आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, परफेक्ट इमोशंस। मुझे यहाँ पे 8 नंबर दिख रहा है, एक यिन एंड यांग की एनर्जी भी फील हो रही है। आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, और इस कनेक्शन में एक न्यू बिगिनिंग होने वाले, एक न्यू चैप्टर के साथ, क्योंकि जो अधूरा रह गया ना वो पूरा होने की कगार पे है। कुछ बातें हैं जो अनफिनिश्ड है, कुछ उनकी जो अधूरा छोड़ के गए थे वो पूरा करने वो ज़रूर आएंगे। एक लाइक चेन ऑफ इवेंट्स, लाइक ना आपकी यादें जैसे गुजरती जाती आप उनके आँखों के सामने ऐसे शांति से बैठे ना, तो अचानक से आपकी बातें नज़र आने लगती है। 8 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बना है, और अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि उनका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 8 हो सकता है। वाई लेटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली बना है, ओ लेटर है, यू लेटर है, सी लेटर है, वी है, ए है। उनका बर्थ नंबर 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर। मुझे लगता है ना इनकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि मुझे ना एक सी हॉर्स जैसा फील हो रहा है, लाइक हॉर्स की फीलिंग बहुत ज़्यादा है एनर्जी में। एक अजीब सी लाइक ना बेचैनी है जो लाइक भाग के आने की, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है ना, कि भाई मुझे अभी रहा नहीं जा रहा, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रही है। मुझे लगता है कि ये जो 1-1 पोर्टल की एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ना वो होगा, और इनकी तरफ से ना कमिटमेंट, उनकी सीरियसनेस बढ़ेगी इस रिश्ते के लिए। ये ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग। ये जैसे पहले थे ना अभी वैसे नहीं रहे, और ये बदल के आएंगे, लाइक बदलना ही पड़ेगा उनको, ये वाले एनर्जीज मतलब यूनिवर्स है ना लाइक बहुत ही फटके दे रहे हैं, फटके कि लाइक बदलना पड़ेगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपा रहे, लिटरली बहुत ज़्यादा छुपा रहे। मुझे ना समा वैसे फील हो रहा ना, अम्ब्रेला की फीलिंग आई, तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जब बरसात में जब कुछ पल बिताए थे ना, वो काफ़ी याद आ रहे हैं उनको। बारिश के वक्त आप लोग मिले थे, स्पेशली अम्ब्रेला थी, और वो सब जो पल है ना, कुछ खास लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहे हैं मुझे।
ऊपर वाले से बहुत दुआ मांग रहे हैं कि मुझे भाई शांति दो, सुकून दो, क्योंकि आपके ख्यालों में बहुत ज़्यादा अचानक से ना डाइवर्ट हो जाते हैं, कर कुछ और रहते और होता कुछ और है, और ये एनर्जी ना आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि इनकी इमोशंस ऐसे हैं ना, इतनी स्ट्रांग है कि आपको लिटरली फील होगा, आपको इतनी एनर्जी लो फील होगी ना कि आपको फील होगा कि ये कहीं आसपास ही है। बर्ड दिखाई दे रही है मुझे, तो ये डेफिनेटली जैसे ना वो कार्मिक रिलेशंस से फ्री होने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कार्मिक सिचुएशंस या फिर रिलेशंस के। ये अभी ना मुझे लगता है ना ये सिचुएशन से ना इनकी भागने की, इनके छुपाने की, इनकी कमिटमेंट नहीं देने की, सीरियस नहीं होने की, ये अभी इनके कंट्रोल में रही नहीं है। मुझे लगता है कि ये अभी चार्ज है ना यूनिवर्स ने ले लिया है, क्योंकि मुझे समहाउ ऐसा फील हुआ है लाइक ना एक जस्टिस की फीलिंग आ रही है, जैसे कि आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ जो एक अनफिनिश्ड ना, मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक, जो बैलेंस की एनर्जी नहीं थी, बैलेंस की एनर्जी, और ख़ास करके ऐसा लग रहा है ना कि ये जो ईयर है तो 6 नंबर का है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़्यादा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि बैलेंस जो नहीं था वो इस रिश्ते में अभी आने को है, इस रिश्ते में अभी बैलेंस होगा, एक जस्टिस होगा कि क्या और कितना होना चाहिए, क्योंकि अभी यूनिवर्स चार्ज ले, ये आपके हाथ में नहीं है था और आप उनके हाथ में नहीं है, ये बस यूनिवर्स है। बहुत सारे सवाल है उनके मन में कि कैसे और क्यों हो रहा है, मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे सवाल है, जैसे कि आपको पूछना चाहते हैं कि जो फोटोज़ में पर्सन कौन है, या कुछ भी ऐसा अचानक से फील हुआ मुझे। या फिर क्या तुम ये सिचुएशन में मेरा साथ दोगी या दोगी, ये वाली फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। समा मुझे ऐसा लगा एक पपी की फीलिंग आई, इमेज जैसे फील हुई, ऐसा लग रहा है कि उनके पास जो पपी है ना उनसे वो बातें करते हो, पपी है या डॉग है उनके पास, उनसे वो बातें करते हो, वैसे फीलिंग बहुत ज़्यादा है। इनकी फीलिंग्स इनके सपने में ना लिटरली आपके साथ जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनते हुए दिखता है, जैसे शादी, बच्चे और न जाने क्या क्या ख्याल में आगे की तरफ चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक हैप्पी फैमिली या एक सुकून, एक कंप्लीटनेस, खुशियाँ, हर चीज़ ना आपके साथ ज़्यादा फील कर पाते हैं, तभी उनको ऐसा इसने एहसास नहीं होता कि भाई दुनियादारी में ऐसा नहीं हो सकता, शायद पहले भी हो तो अभी भी हो, ऐसा नहीं हो रहा है, पता नहीं समाओ पहले ऐसा लगता था शायद उनको कि शायद ये भी रिश्ते में यही हो जो पहले हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी इनको कोई चीज़ का डर नहीं लग रहा है, अभी उनको ऐसा नहीं फील होता। आप किस बारे में जब सोचते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि आपके साथ भी वही चीज़ें रिपीट होगी, ऐसा फील नहीं हो रहा। सेम रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहते हैं। तो बहुत हैवी एनर्जी और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी भी, मतलब अच्छी भी बुरी भी, बुरी इन द सेंस कि हैवी है, बहुत ज़्यादा डीप है, लेट्स सी कि एनर्जीज क्या कहती है, एनर्जीज की बात करते तो एनर्जी ही ऐसी है। मैंने कहा ना बार बार दो कार्मिक सिचुएशन एंडिंग्स की बात हो रही है, क्या चल रहा है। हीलर ऑफ एजेस, अप्रिसिएशन, मिरर नंबर आ गया 1551,
17 नंबर एक्शन, ट्वेंटी नाइन नंबर द वर्ल्ड. मैंने कहा ना वो कार्ड बार बार कार्मिक सिचुएशन एंडिंग की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब दे रहा है. 29 एंजल ऑफ लव एंड द कॉर्नुकोपिया. 11 मैन होल्डिंग अ कॉइन. मैंने कहा ना वन पोर्टल की एनर्जी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है. 11 नंबर कॉर्नुकोपिया, मतलब इस रिश्ते में अभी ज़्यादा जो पॉजिटिविटी आने वाली है, एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना कि जहाँ पे मैंने कहा कि वो चीज़ें जहाँ पे रुकी थी, जहाँ पे वजह थी ना सेपरेशन की, एक रीज़न था, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी. यहाँ पे आपको भी वो एक अजीब से ट्रिगर्स मिलते जाएंगे कि आपको करना क्या है. आपको अपनी सोल पर्पस से काम करना है, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ वर्थ पे ध्यान देना है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यूनिवर्स की तरफ से आप दोनों को भी ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं कि आपको अभी इस रिश्ते के लिए रेडी होना है, क्योंकि अभी इस रिश्ते में बहुत सारी तूफान गुजर चुके हैं, तूफान हो चुके हैं. वो इसीलिए आए थे कि आप लोगों को बदलना था, आप लोग को बेहतर बनाना था, आप लोग को इस यूनियन के लिए रेडी करना था, क्योंकि जो भी कार्मिक सिचुएशंस थी, कार्मिक रिलेशनशिप थी, उसमें आप लोगों ने, जैसे कि आपकी सेपरेशन, इसमें आपने कार्मिक रिलीज किया है, आपने फॉरगिवनेस की एनर्जी अपनाई है, आपने पेशेंस की एनर्जी अपनाई है, अपने आप को बैलेंस किया है, इमोशंस में बैलेंस किया है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दिया है. लेकिन अपने फाइनेंसेस हो या अपनी ग्रूमिंग हो, हेल्थ हो, हर चीज़ पे अपने आप अगर ध्यान दिया है, तो जैसे कि ये सब चीज़ें आपको बार बार पुश किए जा रही है कि आपको एक डिवाइन यूनियन के लिए, आपकी यूनियन के लिए, आपकी टाइमिंग के लिए रेडी होना है. ये बार बार आपको कहा जा रहा है. तो आपको अभी समझना है कि ये वक्त आपको रोने धोने का नहीं है, आपको अभी इस चीज़ के लिए रेडी होना है कि आपको जो भी यूनिवर्स की तरफ से, कहीं से भी जो भी गाइडेंस मिलते हैं, वो सब करना है. और ख़ास करके स्पिरिचुअल लेवल के, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ, आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी हीलिंग होगी, वो एनर्जी यहाँ पे मिरर होगी, क्योंकि जो एनर्जीज वो आप में देख रहे हैं ना, उसकी वजह से वो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं. उनको एक होप मिलता है कि उनके लाइफ में जो भी बिगड़ रहा है, उसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ से मान लिया था कि भाई ये सिचुएशन ऐसी होगी, मेरे कर्मों का नतीजा है, मेरा ऐसा है, मेरा नसीब खराब है, अभी मैंने गलती करी थी, अभी मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ. लेकिन जब भी वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आप में चेंजेस आ रहे हैं, आप पहले की तरह नहीं रहे, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फील होते हैं, आप ज़्यादा पॉजिटिव फील होते हैं, तो वो देख के उनकी हीलिंग हो रही है, उनकी एनर्जीज मिरर हो रही है. तो वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है. और यही चीज़ ना उनको एक्शन लेने पे मजबूर करेगी, क्योंकि मैंने जैसे बार बार कह रही हूँ कि जो मुझे फील हुआ वही आ रहा है कि डेफिनेटली द कार्मिक सिचुएशन विल एंड. ये देखिए यिन एंड यांग, मैंने कहा था ना 8 नंबर दिख रहा है मुझे समा, तो यिन एंड यांग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. तो जैसे सिचुएशन ही काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स ने कंट्रोल लिए हुए है, और आपको भी मतलब बहुत सारे इशारे दिए जा रहे हैं कि आपको मैनिफेस्टेशंस करने हैं, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है. सोलमेट्स, वेरी गुड एनर्जी, देखिए कितनी पॉजिटिव आ रही है. बाउंड्रीज और डेटिंग, ये भी मुझे फील हो रहा था कि मैंने कहा वो आके आपसे मिलना चाहते हैं, मिलने की चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है. तो डेटिंग, ये आपसे मिलने आ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि कैसे हो सकता है. एटलीस्ट मुझे लगता है कि वीडियो कॉल पे बात ज़रूर करना चाहेंगे, अगर पॉसिबल नहीं हो तो. लेकिन ये अपनी जो उन्होंने जो ब्लॉक सिचुएशन की है ना, बाउंड्रीज लगाई है इस रिश्ते के ऊपर अपनी जो भी सिचुएशन की वजह से, उसमें ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे. बाउंड्रीज है ना, जो रिस्ट्रिक्शन, जो उनकी मजबूरियाँ है या जो भी चीज़ें ना, वो बदलेंगी आपके बदलने की वजह से, बदलेंगी क्योंकि
जब भी कार्मिक सिचुएशंस एंड होती है या एनर्जी, देखिए ना, मैंने आपके सामने कल भी आया था आज भी आ रहा है कि येन एंड यांग एंड सोलमेट्स की एनर्जी निकल के आ रही है कि मतलब आप लोग डेफिनेटली एक ट्विन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है एंड हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, जो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सोल लेवल पे काम कर रही है चीज़ें ज़्यादा, और ख़ास करके ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। तो लिटरली थैंक्स टू यूनिवर्स की ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, आपके लिए एक मौका क्रिएट हो रहा है। तो प्लीज़ इस मौके का फ़ायदा उठाइए और अपने आप को इम्प्रूव करें, वो एनर्जी वहाँ पे मिरर होगी और आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ट्रस्ट एंड वेट। तो डोंट रश इन टू और अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। जैसे यूनिवर्स ने, मैंने कहा ना यूनिवर्स की बात चल रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा जिद में मत आइए, बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में मत आए, जस्ट वेट कीजिए, पेशेंटली हैंडल कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए और यूनिवर्स तो अपना काम कर रही है। तो आप मत घुसिए इस चीज़ में भाई अभी अभी हो, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने यूनिवर्स अपना काम लिटरली कर रही है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो आपको जब मैंने कहा ना कि आपके जो सेपरेशन है, आपके जो पर जो बाउंड्रीज और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको ना एक्सेप्ट कीजिए। ट्रस्ट इशू शायद था आप लोगों में, या वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि मतलब आपके ऊपर, इन द सेंस कि उनको लगता है कि ये सिचुएशन भी वैसे ही होगी, वो उनको डर लग रहा है हर चीज़ का। तो वो चीज़ें अगर हीलिंग में, हीलिंग से गुजरी तो चीज़ें दोनों में से भी आपको जो ट्रस्ट नहीं है वो सब चीज़ें ख़त्म होगी और रिलेशनशिप और बेहतर होगा। ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है और ऐसे ही हो आगे। तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।